Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome again to my channel Super Chinured Mobile. आपको मैं रोजाना नए से नए मॉडल्स के बारे में ब्रीफ करता हूँ, अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ. आज आपके लिए एक बड़ी ही मुफीद मालूमात वाली वीडियो लाया हूँ. इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कोड बताऊंगा जिनको यूज करके आपका जो बैलेंस एक्स्ट्रा कट रहा होता है, आप कहते हैं कि हमने कोई पैकेज नहीं लगाया हुआ, उसके बावजूद हमारा बैलेंस उड़ रहा है और हम जो भी बैलेंस करवाते हैं वो जाया हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले आज जिस नेटवर्क की बारी है वो है जैज. जैज वारिद, क्योंकि एक ही नेटवर्क है, तो चाहे आपकी जैज की सिम है, वारिद की सिम है, तो आप उस पर जो आपका बिला वजह बैलेंस कट जाता है उसको आप डिटेक्ट करके उस सर्विस को आप ऑफ कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारी ऐसी मालूमात होती है जो आप तक नहीं पहुंच सकती है, वो हम आपको अपनी वीडियोस में गाइड करते हैं ताकि आप उन मालूमात के मुताबिक अपनी जो आपकी सर्विस एक्टिवेट आपने नहीं की हुई और उस सर्विस की बेस पे आपके चार्जेस कट रहे होते हैं, चाहे वो डेली बेस पे है, वो वीकली बेस पे है, वो मंथली बेस पे है, तो उससे आपका सारा बैलेंस जो है वो उड़ जाता है या जाया हो जाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते हैं. तो व्यूअर्स, उसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जो कि पहले शायद आपको नहीं पता होगा. आपने राइट मैसेज में जाना मोबाइल अपने के, और राइट मैसेज में आपने लिखना लिस्ट, LIST लिस्ट लिख के 6611 पे आपने इसे सेंड कर देना, जैज या वारिद की जो आप सिम यूज कर रहे हैं उससे. जब आप सेंड कर देंगे तो आपको थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाएगा, SMS आ जाएगा, जिसमें उस लिस्ट के अंदर या उस मैसेज के अंदर वो तमाम सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी जो आपने एक्टिवेट कर रखी है. अब ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ सर्विसेज आपने एक्टिवेट की हो, कोई पैकेज यूज कर रहे हो, वो बिल्कुल शो हो जाएगा, और हो सकता है उसमें कुछ ऐसी भी सर्विसेज हो जो आपने एक्टिवेट ना की हो और वो ऑटो उसमें मौजूद हो, जिसकी वजह से आपका बैलेंस डेली बेस पे, वीकली बेस पे या मंथली बेस पे कट रहा हो. तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आपने उसमें से अब लिस्ट में से चेक कर लेना है कि आपका कौन सा ऐसा पैकेज है जो आपका अपना नहीं है, जो आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने खुद से वो पैकेज नहीं किया है, आपने उसे अनसब्सक्राइब करना है. तो उसके लिए इंतहाई सिंपल वे, अगर आप उसमें देखते हैं जो भी पैकेज आपका लगा हुआ है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप का पैकेज भी एक्टिवेट है जो कि आपने नहीं लगाया हुआ, तो आप उसे कैसे अनसब करेंगे, उसके लिए आपको जो पैकेज का नाम आ रहा है उसमें लिस्ट के अंदर उसी सेम नाम को कॉपी कर लेना है या आपने मैसेज में जाकर दोबारा लिखना है. और उसका तरीका क्या है कि अनसब्सक्राइब लिख के स्पेस डालनी है, स्पेस के आगे वो ही पैकेज लिखना है, पैकेज का नाम लिखना है, तो उसको 6611 पे आपने सेंड कर देना है. आप अनसब भी लिख सकते हैं या अनसब्सक्राइब पूरा भी लिख सकते हैं. तो व्यूअर्स, अनसब्सक्राइब स्पेस पैकेज का नाम लिखना है और उसे सेंड कर देना है 6611 पे. तो जो ऑफर या जो सर्विस आपकी एक्स्ट्रा एक्टिव होगी, जिसकी वजह से आपके बैलेंस बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा, उस सर्विस को आप वहां से डीएक्टिवेट करके इस मसले से आप जान छुड़ा पाएंगे. और बाद दफा आपने को रिंग टोन लगाई होती है या कोई ऐसी चीज लगाई होती है जो आपको पता नहीं होता, कॉलर टोन जिसे कहते हैं, तो कस्टमर जब कोई भी आपको या कोई वाकिफ कॉल करता है तो उसको वो उसमें गाना या नाच या जो कुछ लगा होता है उसको सुनाई देता है, तो उसके भी डेली चार्जेस होते हैं. तो डेली चार्जेस आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं, आपका बैलेंस कम हो रहा होता है डेली बेसिस पे, तो आपको पता नहीं चलता ये किस वजह से है. तो बाद दफा और सर्विसेज लगी होती है, जैसे नमाज अलर्ट होता है या कोई ऐसी इस्लामिक सर्विसेज होती हैं या कोई और सर्विसेज होती है जो एक्टिवेट हो चुकी होती है और आपके नॉलेज में नहीं होता, जिसकी वजह से आपका बैलेंस डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कट रहा होता है. तो सबसे बड़ा नेटवर्क फिलहाल चूंकि जैज वारिद है, और मेरा ख्याल काफी मुफीद मालूमात मैंने आप तक पहुंचाई है कि आपने लिस्ट लिख के 6611 पे सेंड करना है. उसमें लिस्ट के अंदर सारे पैकेजेस की डिटेल आ जाएगी जो आपके नंबर पे एक्टिव है, आपने उसमें से देख लेना जो एक्टिवेट आपने नहीं किया हुआ, आप उसे अनसब करना चाहते हैं, मैसेज में जाएं, अनसब लिखें, स्पेस उस पैकेज का नाम लिखें, 6611 को उसे दोबारा सेंड करके डीएक्टिवेट कीजिए. तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने बहुत मुफीद मालूमात दी है. तो ये एक नेटवर्क आज मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि लंबी वीडियो में आपको फिर काफी मसला बनता है, लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं. दूसरे नेटवर्क के लिए मैं दूसरी वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बना के दूंगा, जिसमें दूसरे नेटवर्क के हवाले से इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी.
तो व्यूअर्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्या ये मेरी मालूमात जो है ये मुफीद लगी है आपको, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। व्यूअर्स, मेरी जो भी वीडियो आती है आपके पास उसको लाजमी लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मुझे सुपर जनरल मोबाइल से इस वीडियो के साथ इजाजत चाहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।